हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गर्वित, और आपका एक बार फिर पेबल्स फूड कार्ट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसी जगह आए हैं जिस जगह पे आने के लिए बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, वो यहाँ पे आना हमेशा पसंद करेगा। लेकिन बस शर्त है वो डायबिटीज़ पेशेंट ना हो, क्योंकि एक ऐसी जगह है यहाँ पे सिर्फ ठंडी और मीठी चीज़ मिलती है। और ठंडी और मीठी चीज़ से मेरा मतलब जूस वगैरह नहीं, जूस शेक वगैरह नहीं, यहाँ पे मिलती है आइसक्रीम्स, नेचुरल आइसक्रीम्स। दोस्तों, नाम पढ़ा आपने ऊपर, गो प्योर नेचुरल आइसक्रीम्स। इसका नाम ही ऐसा है कि प्योर नेचुरल आइसक्रीम मिलती है यहाँ पे, कुछ इंग्रेडिएंट्स नहीं, कुछ एडिड प्रिजर्वेटिव्स नहीं, प्योर आइसक्रीम। ऐसा लगेगा आपको खुद एक फ्रूट से बनाई हुई आइसक्रीम से ये। और इस जगह पे आके मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि दोस्तों अगर आप देखें तो मेरे पीछे ये आइसक्रीम शॉप है, लेकिन यहाँ आगे सिटिंग अरेंजमेंट है। सिटिंग अरेंजमेंट आप देखें तो ग्रीन और रेड कलर की चेयर्स हैं, जो कितनी कंफर्टेबल है बैठने में। यहाँ पे करीब 10 to 12 सीट्स हैं, यहाँ पे चेयर्स हैं, यहाँ पे आप बैठ के अपनी आइसक्रीम से इंजॉय कर सकते हैं अगर आपको बाहर का मौसम अच्छा लग रहा है तो, और अगर नहीं तो आप अंदर जाके इंजॉय कर सकते हैं। और अंदर तो खजाना है आइसक्रीम का। तो चलिए दोस्तों, आप अंदर चलते हैं और जानते हैं गो प्योर नेचुरल आइसक्रीम्स में और कितने फ्लेवर्स हैं आइसक्रीम्स के, जो एकदम नेचुरल फ्लेवर है। आइए। ओह माय गॉड, देखा दोस्तों कितनी अमेजिंग जगह है। बाहर से जितना इंटरेस्टिंग लग रहा था, ये अंदर से और उतना ही ज़्यादा अमेजिंग है। यहाँ पे अगर आप देखें तो हर वॉल पे आइसक्रीम और सिर्फ आइसक्रीम ही आपको मिलेगी। यहाँ पे वॉल्स एकदम वाइट है, एकदम साफ़ सुथरी, कोई गंदगी नहीं है, एकदम फ्लोर भी एकदम साफ़ सुथरा है। सिटिंग अरेंजमेंट कितना अच्छा है। सो यहाँ पे आपको स्टूल्स हैं, सोफ़ा है एक, और टेबल है यहाँ पे, आपको आराम से बैठने में कन्वीनियंट हो। फिर इधर लिखा है द बेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड आर ऑलवेज नेचुरल। दोस्तों, मैं यहाँ गो प्योर नेचुरल आइसक्रीम पार्लर में मैं काफ़ी लेट आया हूँ, ये ऑलमोस्ट अगला दिन लगने ही वाला है, लेकिन तब भी आप देखें कि यहाँ पे कितना रश है, यहाँ पे लोगों की कितनी भीड़ है। मतलब आप सोच सकते हैं कितना टेस्टी होगा, लोग इसको कितना पसंद करते हैं। इतनी भीड़ में भी लोग यहाँ पे आए हैं। अभी कुछ थोड़ी देर बाद 12 बजने वाले हैं, लेकिन आप भीड़ देखें तो अराउंड 10 to 12 लोग यहाँ पे अभी प्रेजेंट है और ऑर्डर करे जा रहे हैं, और जो यहाँ पे जो संभाल रहे हैं उसको ऑर्डर को प्लेस करे जा रहे हैं। तब तक दोस्तों, मैं आपको यहाँ का इंटीरियर दिखाता हूँ। यहाँ का इंटीरियर कितना अमेजिंग है, एकदम वाइट वॉल्स हैं, एकदम क्लीन, कोई गंदगी नहीं। और दोस्तों यहाँ पे देखिए एक थॉट लिखा हुआ है, द बेस्ट थिंग्स इन दिस वर्ल्ड आर ऑलवेज नेचुरल एंड सो आर वी। यानी इस दुनिया में जो सबसे अच्छी चीज़ें होती हैं वो नेचुरल होती हैं, और इसी तरह ये जो बेस्ट है ये भी नेचुरल है, इनकी आइसक्रीम्स एकदम नेचुरल होती है। दोस्तों, अगर आप यहाँ की सिटिंग देखिए तो सिटिंग कितनी अच्छी है, एकदम कुशन स्टूल्स, कुशन सोफ़ाज, और यहाँ पे आपको एक टेबल भी है यहाँ पे बैठ के अपना फूड इंजॉय करने को। कितना दोस्तों अगर आप देखें तो एकदम सॉफ्ट। दोस्तों, अगर आप इस वाली वॉल पे देखें तो कितनी प्यारी स्नैप्स लगी हुई हैं, आई लव पानीपुरी आइसक्रीम। एक मिनट, ये पानीपुरी आइसक्रीम है, पानीपुरी आइसक्रीम, मतलब पानीपुरी में आइसक्रीम। मैंने वैसी वाली पानीपुरी खाई है चाट स्टॉल पे, लेकिन ये पानीपुरी आइसक्रीम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। इसकी फोटो भी लगाई है इन्होंने, पानीपुरी में आइसक्रीम, इसको तो टेस्ट करने में मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे एक बड़ा सा मेन्यू कार्ड है जिसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन से आइसक्रीम मिलते हैं। यहाँ पे नेचुरल फ्रूट में मिलेगा मैंगो, सीताफल, चीकू, गुआवा, स्ट्रॉबेरी, लीची, टेंडर कोकोनट। फिर गो प्योर डेलिकेट्स डेलिशीज में आपको मिलेगा केसर पिस्ता, गुलकंद, गुलाब, अंजीर, रोस्टेड आलमंड, कॉफ़ी बटर स्कॉच, वनीला बटर स्कॉच। सो गाइस, आप बात करते हैं यहाँ गो प्योर नेचुरल आइसक्रीम पार्लर में आए हुए कस्टमर से, और उनसे जानते हैं उनको यहाँ की आइसक्रीम्स कैसी लगती है। हेलो मैम, मैम आपका नाम? सोनाली। सोनाली, तो मैम आप अभी कौन सी आइसक्रीम टेस्ट कर रहे हैं? मैं जामुन सॉर्बेट खा रही हूँ यहाँ पर। जामुन सॉर्बेट, तो आप यहाँ पे गो प्योर नेचुरल आइसक्रीम पार्लर में कितने टाइम से आ रहे हैं? आई थिंक ये मेरा कॉन्जिक्यूटिवली 6th वीकेंड है जो मैं आ रही हूँ, और आई एम हैविंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, जामुन सॉर्बेट। आई हैव नेवर एवर टेस्टेड दिस अमेजिंग सॉर्बेट एवर, दैट टू जामुन फ्लेवर, इट इज़ वेरी ऑथेंटिक एंड नेचुरल, द फ्लेवर्स एंड एवरीथिंग इज सो अमेजिंग। तो दर्शकों सोनाली जी का ये कहना है कि जो जामुन सॉर्बेट यहाँ की इतनी टेस्टी है कि ये उनका 6th कॉन्जिक्यूटिव वीक है, यानी ये इस हफ्ते नहीं, ये 6 हफ्तों से लगातार यहाँ पे आ रही है और ये जामुन सॉर्बेट खा रही है। यानी आप सोच सकते हैं दोस्तों, इतना कितना अच्छा इनका टेस्ट है कि लोग यहाँ पे बार बार आते हैं और रिपीट पे आइसक्रीम्स खाते हैं। और मैम, आपको ऐसी क्या खासियत लगती है गो प्योर नेचुरल आइसक्रीम पार्लर में कि आपको वो कहीं और किसी आइसक्रीम पार्लर में नहीं मिलेगी? मुझे यहाँ का
टेस्ट बहुत ही ऑथेंटिक लगता है. मैंने बहुत सारे आइसक्रीम्स खाए हुए हैं, मुझे इतना अपीलिंग आज तक कोई नहीं लगा. और जामुन एक ऐसा फ्लेवर है जो मैं खुद पहली बार खा रही हूँ. सो गाइस, यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची भी है, वो अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर रही है. अब उनसे जानते हैं कि उनको यहाँ की आइसक्रीम कैसी लगती है. हेलो बेटा, आपका नाम? स्कायरा. स्कायरा, बहुत ज़्यादा प्यारा नाम है. तो आप ये कौन सी आइसक्रीम अभी टेस्ट कर रहे हो? मैंगो. मैंगो आइसक्रीम. आपको ये आइसक्रीम कैसी लगी है? अच्छी. अच्छी लगी. तो आप यहाँ पे किसके साथ आए हो? मम्मी और पापा के साथ. मम्मी और पापा के पास. तो आप यहाँ पे कितने टाइम से आ रहे हो? बहुत टाइम से. आपको यहाँ की आइसक्रीम अच्छी लगती है? हाँ. बाकी जगह की अच्छी लगती है या फिर यहाँ की अच्छी लगती है? यहाँ की अच्छी लगती है. चलो आप अपनी आइसक्रीम खाओ. तो दोस्तों, ये अभी हमें थोड़ी सी बात करी, यहाँ पे आई हुई एक प्यारी सी बच्ची जिसका नाम स्कायरा है. जितना प्यारा उसका नाम है उतना ही प्यारी उसकी बातें हैं. और वो उसने बताया कि उसको यहाँ की मैंगो आइसक्रीम बहुत पसंद है. तो दोस्तों, अब जल्द से जल्द हम भी कोशिश करेंगे यहाँ के ओनर से बात करने की और फिर उनसे बोलेंगे हमें भी यहाँ की आइसक्रीम टेस्ट कराई, क्योंकि लोग तो यहाँ की आइसक्रीम की बहुत तारीफ कर रहे हैं. बोल रहे कि ऐसी आइसक्रीम पहले मतलब कहीं और मिलती नहीं है, बाकी जगह की आइसक्रीम बेकार है, यहाँ की आइसक्रीम ज़्यादा अच्छी है. तो दोस्तों, जैसा कि आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा एक छोटा सा दोस्त है, वो भी यहाँ पे आइसक्रीम खा रहा है, लुत्फ उठा रहा है. बेटा, आपका नाम क्या है? उड़ूदी. किसने कुछ तो बोला. और आप ये कौन सी आइसक्रीम खा रहे हो? चॉकलेट. चॉकलेट. तो ये आपको आइसक्रीम कैसी लगी? अच्छी. अच्छी है. अच्छी है. ज्यादा अच्छी या कम अच्छी? बुलवाओ. ये चेहरा कैसा बना रहा है? बोलो यमी. यमी. यम्मी. ओके, आप आइसक्रीम खाओ. सर, ये जो गो प्योर नेचुरल आइसक्रीम का कॉन्सेप्ट है, ये एक्जैक्टली है क्या? गो प्योर नेचुरल आइसक्रीम, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है, ये दिस इज़ वेरी टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट. एंड एज यू सी, हमारा जो एक सिंबल है, हमारा जो वर्डिंग है, दैट वी आर नेचुरल. और हम लोग कोई भी आइसक्रीम में कोई भी इमल्सिफायर, जो स्टेबलाइजर होता है, वो भी यूज़ नहीं करते. इवन वी डोंट डू एयर पंपिंग, वी डोंट पुट एनी आर्टिफिशियल कलर, वी डोंट पुट एनी आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग. इट्स ऑल नेचुरल. यू ट्राई आवर मिल्क आइसक्रीम. द बेस्ट आवर स्पेशलिटी इज ऑल मसाला. रियल फ्रूट, एज यू सी हियर ऑन द बोर्ड, जामुन है, कीवी है, फालसा है, इमली है, गोवा, पाइनएप्पल, ये सिर्फ फ्रूट है और कुछ नहीं है. और ये आप जब खाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बस वही फ्रूट खा रहे हो आप. इतनी अच्छी चीज है. और ये हमारा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. फिर हमारा स्टफ मैंगो आपको दिखाता हूं मैं. ये हमारा स्टफ मैंगो है. ये रियल मैंगो है और इसके अंदर केसर पिस्ता आइसक्रीम है. इसके अंदर हमारे पास केसर पिस्ता भी आता है और मैंगो के अंदर मैंगो भी आता है. बट मैंगो के अंदर जो मैंगो है वो खत्म हो चुका है. okay. और ये अभी सिर्फ लास्ट 7 पीसेस अभी बचा है. बहुत एकदम फास्ट मूविंग था. और इसको जब आप ऑर्डर करते हो तो हम आपके सामने इसको छीलेंगे तो इसका पल्प अंदर रहेगा और इसके अंदर केसर पिस्ता आइसक्रीम रहेगी. दैट मीन्स ये जब काटा जाएगा तो केसर पिस्ता आइसक्रीम अंदर रहेगा और केसर पिस्ता आइसक्रीम इट विल बी सर्व्ड ऑन द बेड ऑफ मैंगो. सो ये स्टफ मैंगो है. नॉर्मली क्या होता है, दूसरे पार्लर में जाते हो आप स्टफ मैंगो मांगते हो तो वो लोग आपको एक स्कूप दे दे और थोड़े डाइसेस काट के दे देते मैंगो के. बट यहाँ पर आपको पूरा रियल फ्रूट मिल रहा है, मैंगो. और ऐसा ही कॉन्सेप्ट हमारा ऑरेंज का भी आ रहा है. ये अक्टूबर एंड में आएगा. सेम कॉन्सेप्ट रहेगा. हम लोग और दूसरे फ्रूट्स के ऊपर भी ट्राई करें बट इट विल टेक टाइम, बट डेफिनेटली वी विल गेट इट. सर, आपने ये बोला ना मैंगो आइसक्रीम, सच्ची बता रहा हूँ, हमारे तो कुछ दर्शक अभी ये सुनते ही पागल ही हो गए. मतलब मैंगो के अंदर आइसक्रीम, मैंगो नहीं होगा उसके अंदर, आइसक्रीम होगी. केसर पिस्ता. कितनी अच्छी बात है. और फिर दूसरी भी चीज है हमारे पास, पानीपुरी आइसक्रीम है. जैसा आप देख सकते हो बोर्ड पे, ये पानीपुरी आइसक्रीम भी बहुत अलग कॉन्सेप्ट है. जैसे कि आपको 5 पूरी मिलेगी इसके अंदर और पूरी के अंदर हम लोग इमली सॉर्बे डालेंगे. फिर ये चाट मसाला जो है, ये चाट मसाला जाएगा उसके अंदर. फिर हरा मसाला जाएगा और मिर्ची आइसक्रीम जाएगी. ये भी एक बहुत ही यूनिक है. मिर्ची आइसक्रीम आपको बहुत जगह पर नहीं मिलेगी तो वो जाएगा. फिर उसके ऊपर व्हिप क्रीम जाएगा. फिर हम उसके ऊपर ये स्प्रिंकलर्स जो है ये हम उसके ऊपर डाल देंगे और मिंट लीव्स डाल देंगे उसके ऊपर. ये हमारा कॉन्सेप्ट है. सर, आप डरा रहे हो, बता रहे हो ऐसी चीजें. बता रहा हूँ. मतलब आइसक्रीम, पानी पूरी, आइसक्रीम कुछ नहीं पल्ले पड़ा मेरे. सच्ची वजह से एक्चुअली क्या है, सबका माइंड सेट है कि भाई ये आइसक्रीम ये पार्लर की अच्छी है. तो हमने क्या किया है, इस चीज को थोड़ा एलोबरेट करके इसके अंदर हमने मसाला सॉर्बेज डाल दिया है. प्लस स्टफ मैंगो है, स्टफ ऑरेंज है, वो सब आ गया है. अभी आप इधर भी देख सकते हो शाही फालूदा. शाही फालूदा भी
ये ड्रिंक नहीं है, इसको हमने आइसक्रीम में कन्वर्ट किया है. जैसे कि हम प्लेट में आपको फालूदा डालेंगे जिसको ओला बोला जाता है, ओलम मतलब वर्मिसेलीज, और उसके अंदर एक रबड़ी डाला जाएगा और फिर साइड में केसर पिस्ता आइसक्रीम आएगी आपको एक स्कूप, और दूसरा आएगा आपको गुलाब एक स्कूप आएगा. वो हो गया फालूदा. अगर आपको शाही फालूदा चाहिए तो केसर पिस्ता के जगह पे आपको मिक्स ड्राई फ्रूट आ जाएगा, और ये इसके ऊपर हम लोग रोज सिरप डालेंगे थोड़ा सी, और फिर उसके ऊपर हम लोग केसर पिस्ता का थोड़ा स्प्रिंकल्स कर देंगे. तो ये बहुत ही यमी है, बहुत चल रहा है. इवन पानी पूरी लोगों को बहुत पसंद आ रही है, और आउटलेट एकदम बिजी है आप जैसा देख सक रहे हो. बहुत सर बस इतना होता है, आप इस लाइन में कितने टाइम से? मैं अभी मुझे इस लाइन में हुआ होगा नॉट मोर देन 7 months. क्या क्या बोल रहे हो सर, 7 months में इतना ज्यादा? इनोवेटिव हो, क्रिएटिव हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो. ये बात बिल्कुल सही बोली सर आपने. 7 months में इतना एक्सपीरियंस, वो भी आइसक्रीम्स में. ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करा होगा सर आपने तभी इसके पीछे. सर ये मैंगो और ये पानी पूरी का थोड़ा आइडिया बता दीजिए, आपको कहाँ से आया ये मैंगो का जो आया है आइडिया? अभी इसमें हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी, जैसे कि मैंगो है, अभी जैसे आइसक्रीम हर एक जगह पे आउटलेट पे मिलता ही है, तो हम लोगों ने ये सोचा जब उसको हम घर पे बैठे थे तो हमने देखा इस चीज़ को कि हम एक काम कर सकते हैं इस पे. उसको देखते देखते हम लोगों ने आइडिया लगाया कि इसका अगर सीड निकाला जाए तो क्या करें, इसको सीड निकाल के कुछ कर सकते हैं नहीं कर सकते. तो हम लोगों ने पहला नाइफ लेके उसको सीड को निकाला, लेकिन उसका जो पल्प था वो एक्चुअली बराबर वो राउंड नहीं हुआ. फिर भी हम लोगों ने बनाया, लेकिन केसर पिस्ता के साथ नहीं था, किसी और चीज़ के साथ था. हम लोग ट्राई कर रहे थे, तो वो जब ट्राई किया थोड़ा फेल हो गया. हम लोग 2-3 बार ट्राई किए, लेकिन हम लोगों ने इसको सक्सेस किया. फिर बाद में मशीन आई, तो ये मशीन इतनी स्पीड है उसकी, जैसे कि वो 2 ब्लेड जो होता है ना फॉक, वो अंदर जाता है और वो सीड को निकाल देता है, और फिर उसके अंदर हम लोग केसर पिस्ता आइसक्रीम डालते थे, और उसके अंदर फिर बाद में हम लोग टेम्परेचर पे डाल देते मैंगो को. ऐसा हम लोगों ने आइडिया लगाया इस पर. अभी हमारा ऑरेंज भी आने वाला है, फिर ड्रैगन फ्रूट पे भी ट्राई करेंगे शायद, या दूसरे फ्रूट पे भी ट्राई करेंगे, डिपेंड्स. सर आपने तो आइसक्रीम में ऐसा रिवॉल्यूशन लेकर आया, मतलब एकदम सोचियो जल्दी. लोग आइसक्रीम सोचते थे कैसा होगा, स्टिक होगा या कोन होगा या ब्रेक होगा, right. ये फ्रूट के अंदर आइसक्रीम पहला कॉन्सेप्ट मैंने देखा, और वो पानीपुरी वाला और आइडिया होता है. इसी चीज़ को हम लोग यूनिक बोलते हैं ना, ये आउटलेट एकदम यूनिक है. और पानीपुरी का जो है, पानीपुरी हम लोगों ने इसको इतना ट्राई किया, हम लोगों ने टेस्ट किया उसको, लेकिन फिर भी वो सही अप टू द मार्क नहीं था. तो हम लोगों ने इसके ऊपर 1 to 1.5 months इस पर ट्राई किया, और जब हम लोगों को लगा कि भाई हाँ अभी हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इसको, इसका टेस्ट एकदम बेटर है. बिकॉज पानीपुरी आइसक्रीम में आपको 5 पूरी आती है, उसके अंदर हम इमली सॉर्बे डालते हैं, इमली सॉर्बे के ऊपर हम चाट मसाला डालते हैं, फिर उसके अंदर हरा मसाला डालते हैं, तो हरा मसाला स्पाइसी हो जाता है, चाट मसाला का तो आपको फ्लेवर पता ही है, और फिर इमली जो होता है वो पंजेंट होता है, खट्टा मीठा होता है, तो इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है. तो उसका जब बैलेंस प्रॉपर मिला, फिर उसके बाद हम लोगों ने उसके ऊपर विप क्रीम डाला, तो विप क्रीम हर एक दोनों चीज़ को बैलेंस कर रहा था, और थोड़ा स्प्रिंकल्स डाल दिया, और मिंट डाल दिया, मिंट लीफ उसके ऊपर डाल दिया, थोड़ा गार्निश के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए. हो गई अपनी पानीपुरी तैयार. मैं आपको चाहिए तो बना के दिखाता हूँ. सर आप साइंस स्टूडेंट थे या कॉमर्स स्टूडेंट? मैं एक्चुअली कॉमर्स था. इतना है, ये तो साइंटिस्ट वाले एक्सपेरिमेंट्स है सर. यही तो खासियत है. क्या कर रहे हो, आइसक्रीम के साथ खेल रहे हो आप तो. यही बात है. देखो हम लोग यही चाहते हैं कि लोगों को थोड़ी अलग डिफरेंट आइडिया पता चले कि भाई आइसक्रीम में ये भी चीज़ें मिलती है. जैसे कि आइसक्रीम खा के आइसक्रीम खाना है, ये बात नहीं है कि सिर्फ आप आउटलेट पे आ जाओ, आइसक्रीम पार्लर पे चले जाओ और आइसक्रीम खा लो. ये बात होती है कि भाई क्या यूनिक है यहाँ पर, हमारे पास फ्लेवर्स कौन से हैं, और यहाँ पर जहाँ पर हमारा आउटलेट है, किसी के पास भी ये जो सॉर्बेज है हमारा दिख रहा है आपको, जैसे कीवी सॉर्बे है, फालसा, इमली, गोवा, पाइनएप्पल, पूरी जगह पर नहीं मिलेगा. ये सिर्फ हमारे पास ही है, एक्सक्लूसिवली हमारे पास है. लेकिन हमने रेट्स भी बहुत अच्छा रखा है. हम चाहते थे हम इसका प्राइस बढ़ा भी सकते थे, लेकिन हमने 65 ही रखा है, क्यों, इसका तो कोई कॉम्पिटिशन है नहीं. बाकी दूसरी आइसक्रीम है उसका तो कॉम्पिटिशन है, तो इसको आपको मार्केट के हिसाब से रखना पड़ता है. लेकिन सॉर्बे का भी हमने वही प्राइस रखा है. सॉर्बे क्या एक्चुअली? सॉर्बे ये एक्चुअली क्या होता है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं जाता है, सिर्फ आपको फ्रूट रहता है और उसको टेम्परेचर पे रखा जाता है. उसका जो पल्प रहता है उसको डाल दो आप, जैसे कि ये चीज है, इसके अंदर आपने पल्प डाल दिया और फिर इसको बंद कर दिया और इसको फ्रीज कर दिया. और इसका जो एनहांस करना है इसका फ्लेवर, तो आपको ये बहुत जरूरी है.
ये चाट मसाला, ये चाट मसाला भी सोर्स नहीं किया है किधर से भी, ये भी होममेड है। ओके, ये बाहर आपको ऐसा टेस्ट नहीं मिलेगा, ऐसा फ्लेवर नहीं मिलेगा, तो ये भी हम लोगों को यूनिक बनाता है ये चीज। तो सर आपके यहाँ इतनी सारी वैरायटीज तो मैंने सुन ली, लेकिन आप बस स्पेशलिटी बता दो आपकी यहाँ की क्या है। स्पेशलिटी सोरबे है, हमारा सोरबे स्पेशलिटी है। और जो फालसा है, बहुत सारे जनों को पता नहीं है कि फालसा क्या है, ये एक राजस्थानी स्पेशलिटी फ्रूट है। ऑलमोस्ट उसका कलर जो है पोमेग्रेनेट के जैसा है, लेकिन पोमेग्रेनेट थोड़ा स्वीट होता है और ये थोड़ा ब्लांच है, थोड़ा मतलब थोड़ा सी फ्लैट टेस्ट है, लेकिन इट्स गुड। Okay. हाँ, सेम कलर आएगा। ये हम लोग इसमें सोरबे में स्पेशल है हम लोग, और प्लस आप देख सकते हो राजवाड़ी कुल्फी में भी हम लोग स्पेशल है। जैसे कि आपको दिखेगा पान, अभी नॉर्मली जो दूसरे आइसक्रीम पार्लर में आप जाओ तो पान कैसा देते आइसक्रीम पार्लर में, लेकिन वो छोटा छोटा पान वो रैप करके आपको दिया जाता है, हमारा जो पान है वो कुल्फी फॉर्म में है, ऐसा है हमारा पान, ऐसा आता है। ओके, तो ये आप खाओगे तो ऐसा लगेगा बस पानी खा रहे हो। फिर राजवाड़ी कुल्फी है, बहुत रिच है, जैसे इलायची है, रबड़ी है, और खोपरा पाक, इफ यू आर फैन ऑफ कोकोनट, दिस इज द बेस्ट थिंग टू हैव। और ये आपका पानीपुरी, एक और पानीपुरी तो बहुत ही अच्छी है, पानीपुरी का तो मैंने बोल दिया आपको कि पानीपुरी क्या चीज है, जैसे कि आप फोटो भी देख सकते हो वहाँ पर। हाँ, देखी मैंने वो, मैंने बताया दर्शकों को, चाहिए तो मैं बनाऊंगा भी, आपको मैंगो भी खाना है, मैंगो भी काटता हूँ। तो दोस्तों, जब तक इसराइल जी मेरा जो गोवा प्योर नेचुरल आइसक्रीम की जो स्पेशलिटी है वो प्रिपेयर कर रहे हैं, तब तक मैं आप लोगों को दिखाता हूँ गोवा प्योर नेचुरल आइसक्रीम्स के मेन्यू, स्पेशल मेन्यू कार्ड में और क्या क्या स्पेशल है। यहाँ पे नेचुरल फ्रूट आइसक्रीम्स हैं, मसाला रियल फ्रूट सोर्बे हैं, चॉकलेट चॉइस है। सोर्बे इसराइल जी ने बताया कि सोर्बे जो होता है उसमें कुछ एडेड फ्लेवर्स नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ फ्रूट को, पल्प को उसके फ्रीज करा जाता है, टेम्परेचर पे रखा जाता है। फिर नीचे आपको गो प्योर प्रीमियम और गो प्योर डेलिकेसीज, रजवाड़ा कुल्फी, गो प्योर डिलाइट, बताशी आइस। तो दोस्तों, अब इलियास जी यहाँ पे बनाने वाले हैं जो उनके गो प्योर नेचुरल आइसक्रीम की एक स्पेशलिटी है, जो उनका एकदम डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, वो है पानीपुरी आइसक्रीम। तो दोस्तों, आप देखते जाइए कैसे पानीपुरी आइसक्रीम बनेगी। तो पहले हम ऑफकोर्स पूरी लेंगे, ये 5 पूरी जाएगी इसमें, और पूरी अच्छी क्रिस्पी होनी चाहिए। दोस्तों, ये कितनी अच्छी बात है, मतलब इलियास जी ने ग्लव्स पहने हुए हैं। मैं जब से इस शॉप में आया, जब से पार्लर में आया, तब से इलियास जी ने ग्लव्स पहने और लगातार अपना काम कर रहे हैं। इलियास जी, ये हाइजीन का ख्याल आपको रखना पड़ेगा, ये आपकी कैसी सोच है इसमें? ये बहुत ज़रूरी है। अभी जो भी लोग आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि प्लेस कितनी मेंटेन्ड है और कितनी हाइजीनिक है, बिकॉज आपको तो पता है कि बीमारी हाथ से फैलती है, तो हैंड वॉशिंग बहुत ज़रूरी होता है, तो इसे अच्छा ग्लव्स ही पहन लो तो वो अच्छा होता है, तो बहुत अच्छा, इन्फेक्शन का तो कोई चांस ही नहीं है। राइट, सही बात है एकदम। और बे पानी में डिप करो प्लीज। कौन सा सोरबे है ये? ये इमली सोरबे है, ये अभी पानी पूरी में पूरी के अंदर जाएगा, इसको अभी हम ओपन करेंगे। इसको ऐसा सिर्फ नाइफ डाल के इसको बाहर निकाल दीजिए और इसको कट कर दीजिए। और इसको एक और बार स्लाइस कीजिए आप। और इसको डाइसेस कर दीजिए। दोस्तों, ये सोरबे तभी इतना टाइट है, वरना अगर कुछ और, मतलब जैसे कुछ और प्रिजर्वेटिव्स इसमें ऐड करे जाते तो ये सॉफ्ट हो चुका होता। राइट, और ये बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ को टेम्परेचर, राइट टेम्परेचर पे रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये ख़राब हो जाता है। तो ये अब हम सोरबे लेंगे और ये पानीपुरी अपना पूरी के अंदर डालेंगे। सबे दो दो तीन तीन पीस डाल सकते हो आप, जितनी पूरी उतने सोरबेस। राइट, ज्यादा भी डालना है तो ज्यादा भी डाल सकते हैं, जिस अभी किसी को मतलब थोड़ा खट्टा मीठा पसंद है तो आप ज्यादा भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और पूरी भी एकदम फिलिंग फिल होनी चाहिए, खाली नहीं लगनी चाहिए जी, बहुत जरूरी है।
अब हम इस पे चाट मसाला डालेंगे। फिर इसके अंदर जाएगा ये हरा मसाला, और ये भी घर पे बनाया हुआ है, ये भी बाहर से किधर से लाया नहीं है। ये जस्ट हाफ स्पून डालना है आपको। जो हरा मसाला सिर्फ पानीपुरी आइसक्रीम में यूज होता है? ओनली पानीपुरी, हाँ, और किसी में भी नहीं। और ऐसा हरा मसाला कहीं और नहीं मिलेगा? नहीं, ये घर पे बनाया हुआ है, इसकी टेक्निक अलग है। वो आप बताएंगे? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। ये हो गया, इसको थोड़ा सीधा कर दीजिए। प्रेजेंटेशन अच्छी हो, प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे मिर्ची आइसक्रीम। ये है मिर्ची आइसक्रीम। कौन सी आइसक्रीम? ये मिर्ची आइसक्रीम, ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, बहुत कम जगह पर मिलेगी, अगर मिल भी गई तो बहुत कम जगह पर मिलेगी। ये भी हमारी एक स्पेशलिटी है, ये आपको यहीं पर मिलेगी। मिर्ची की आइसक्रीम? मिर्ची की आइसक्रीम, वो जो हरी मिर्ची आती है उसकी? हाँ, नहीं ये हरी मिर्ची नहीं, ये जो अपना लाल पाउडर, लाल मिर्ची होती है ना, हाँ। उसकी बनी हुई है। तो ये लाल होनी चाहिए ना? नहीं, इसका यही तो टेक्निक है। ओके। ये भी लेकिन नेचुरल है ना, प्योर? ये भी एकदम पूरा नेचुरल है, इसके अंदर कुछ भी मिक्सिंग नहीं है। आप इसको टेस्ट करोगे आपको खुद को समझ जाएगा। अब ये हो गई मिर्ची आइसक्रीम, इसको कवर कर दीजिए, ठीक है। अब इसके ऊपर आप व्हिप क्रीम डाल दीजिए। जो क्रीम आइसक्रीम और केक्स में यूज होती है वो? करेक्ट, ये व्हिप क्रीम है। ये हो गया व्हिप क्रीम। अब इसके ऊपर आप स्प्रिंकल्स कर दीजिए। ये जो लास्ट पार्ट है इसका? हाँ, ये प्रेजेंटेशन के लिए बहुत जरूरी है। पूरी के ऊपर डालिए, प्लेट पे भी डालिए, थोड़ा प्रेजेंटेशन के लिए बहुत जरूरी है। फिर ये चॉकलेट स्प्रिंकल्स भी ले लीजिए। अच्छा, और रेनबो कलर? राइट, इसे क्या कलर बहुत अच्छा दिखता है, थोड़ा मीठा भी होता है, मीठा भी होता है, थोड़ा सी खट्टा होता है, तीखा होता है, सब साथ में है। Okay. और फिर इसके बाद आप लीव्स ले लीजिए, मिंट। ओह, मिंट लीव्स पे? हाँ, ये प्रेजेंटेशन के लिए बहुत जरूरी है। ये भी सिर्फ पानीपुरी आइसक्रीम? हाँ, ये सिर्फ पानीपुरी के लिए है। इसको ऐसे ही सिर्फ आप डाल दीजिए ऊपर। ये हो गई हमारी पानी पूरी। तो दोस्तों, यानी अब पानी पूरी आइसक्रीम तैयार हो चुकी है, और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत, कितनी टेस्टी, कितनी शानदार लग रही है। मेरा मन कर रहा है मैं इसको सजा के बस रखूं, लेकिन ये खाने की चीज़ है, वरना मैं इसको पक्का सजा के रखता, शोकेस में रखता है इसे। इसमें कितना टाइम लगा हमें इसराइल जी? 7 minutes, not even 7 minutes. तो दोस्तों, अभी अभी मुझे इलियास जी ने, जो यहाँ के ओनर हैं, उन्होंने मेरे को यहाँ की जो स्पेशलिटी है पानी पूरी आइसक्रीम, जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, पूरे मीरा रोड, पूरे मुंबई में आपको कहीं ऐसी पानी पूरी आइसक्रीम नहीं मिलेगी, वो उन्होंने मेरे को बना के दिया, और मैं इसको खाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं आपको बता भी नहीं सकता कि मुझे रहा नहीं जा रहा, मैं इस आइसक्रीम को फट से फट खाऊं, आपको बताऊं ये कैसी बनी है। तो दोस्तों, ये रही आइसक्रीम, और अब मैं आपको इसको टेस्ट करके बताऊंगा कैसी बनी है। फुल पानीपुरी वाला टेस्ट है, लेकिन एकदम ठंडा, एकदम ठंडा। इलायची, वो इलायची कह रहा हूँ, इमली का खट्टा मीठा टेस्ट, मिर्ची की आइसक्रीम, पुदीना और स्प्रिंकल्स क्रीम, बहुत ज़्यादा टेस्टी है यार। एक बार और। ये तो बेस्ट है।
बहुत ठंडा है ये, मैं नहीं बता सकता, इतना टेस्टी है, इतना टेस्टी। इसमें करारी करारी पूरी, फिर उसके अंदर इमली का सॉर्बे जो एकदम इसको खट्टा मीठा बनाता है, फिर उसके ऊपर चाट मसाला, इनका हरा मसाला जो इनका होममेड होता है, ये आपको कहीं और हरा मसाला नहीं मिलेगा, फिर इसके ऊपर मिर्ची वाली आइसक्रीम, फिर ये क्रीम, फिर पुदीना। दोस्तों पानी पूरी खाओ तो ये वाली खाओ, वो वाली मत खाओ, वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी ये है। तो गाइस अब एक और सरप्राइज लेकर आ रहे हैं इलियास जी अपने गो प्योर नेचुरल आइसक्रीम पार्लर में। याद है इन्होंने आपको बताया था कि मैंगो के अंदर आइसक्रीम होती है, अब वही सरप्राइज बाहर आने वाला है। तो दोस्तों अब ये रहा वो मैंगो, ये है हमारा स्टफ मैंगो, और ये स्टफ मैंगो इसके अंदर जो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इसके अंदर मैंगो के अंदर केसर पिस्ता आइसक्रीम भी आती है और मैंगो के अंदर मैंगो आइसक्रीम भी आती है। तो मैंगो के अंदर मैंगो जो है वो तो सीजन खत्म हो चुका है, अभी इसके अंदर जो है अपना मैंगो है और केसर पिस्ता आइसक्रीम है इसके अंदर। तो पहले आपको क्या करना है, इसको तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये मैंगो को आप जब रखते हो आइसक्रीम के साथ, इसको प्रॉपर टेम्परेचर पे रखना है, और जब इसको आपको निकालना है तो इसको पहली बात तो 1 से 2 मिनट आप पानी में डिप करके रखिए, थोड़ा सॉफ्ट हो जाने दीजिए, फिर इसको आप निकाल दीजिए बाहर। ये जो कोटिंग है इसको निकाल दीजिए यार, अभी आपको दिखेगा अंदर पूरा मैंगो का पल्प है और केसर पिस्ता आइसक्रीम है इसके अंदर। इसको निकाल दीजिए अच्छे से, देखो ये केसर पिस्ता आइसक्रीम है अंदर। अब इसको आपको इसका जो स्किन है मैंगो का इसको निकालना है, आपको जेंटली करो, इसको खराब नहीं हो गए। ये तरीके से निकाल दीजिए आप, और अगर कोई कोटिंग बची है तो अच्छे से निकाल दीजिए, उसको साफ कर दीजिए। ठीक है, इसको रख के फिर आप इसे 2 स्लाइस में कर दीजिए। ये टेम्परेचर की वजह से थोड़ा कड़क है, ये देखिए ऐसा कटता है। ये गुटली को क्या हो गया? ये गुटली को ये मशीन ने इसको बाहर निकाल दिया है, और उसके अंदर हमने सीड के जगह पे, गुटली के जगह पे हमने केसर पिस्ता आइसक्रीम डाल दी है इसके अंदर। अच्छा, मतलब ये गुटली नहीं है? गुटली नहीं है, ये केसर पिस्ता आइसक्रीम है अंदर, और बाहर पूरा मैंगो का फ्लैश है। तो जैसे अभी हमने काटे इसे, अभी इसे हम डाइस करेंगे, और बात ऐसी हो जाएगी कि केसर पिस्ता आइसक्रीम जो है इट विल बी सर्व्ड ऑन अ बेड ऑफ मैंगो, ये बात हो जाएगी। क्या बोले, एक और स्लाइस कर दीजिए, फिर ये दूसरा पीस ले लीजिए आप। एक और स्लाइस कर दीजिए, और इसे डाइसेस में काट दीजिए। थोड़ी सी आइसक्रीम छूट गई है, और इसे एक प्लेट में अच्छे से डाल दीजिए। ये देखो, ये केसर पिस्ता अंदर है और बाहर पूरा मैंगो पल्प है। नॉर्मली यही होता है कि आप आइसक्रीम पार्लर में जाते हो, स्टफ मैंगो मांगते हैं, तो आपको सिर्फ एक स्कूप दिया जाता है आइसक्रीम का, और उसके ऊपर स्टफ मैंगो अपना जो डाइसेस होता है मैंगो का वो दिया जाता है थोड़ा सी, और यहाँ पर तो आपको पूरा होल मैंगो ही मिल रहा है जो आप केसर पिस्ता आइसक्रीम के साथ इंजॉय कर सकते हो। और इसका फ्लेवर जो है खट्टा मीठा भी आएगा, केसर पिस्ता का जो ब्लेंड हुआ है इसका जो हारमोनी है बहुत अच्छी है, ये आप जब टेस्ट करोगे तो आपको समझ में आएगी चीज़। ये थोड़ा सी केसर पिस्ता जो है ये बीच में डाल दीजिए, ये हो गया हमारा स्टफ मैंगो रेडी। बाप, दोस्तों सच्ची बताऊँ मुझे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा, अब बस मैं इसको टेस्ट करके बताऊँगा आपको ये कैसी बनी है।
दोस्तों ये कुछ भी है, ये कुछ भी, मतलब मैंगो आइसक्रीम उसके अंदर केसर पिस्ता, कोई सोच सकता है? मतलब ये कॉन्सेप्ट आउट ऑफ माइंड है, इसको मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता, बता भी नहीं सकता ये क्या था क्या नहीं था। बस इतना बोल सकूँगा कि जितना प्यार से इलियास जी ने इसको बनाया, जितना प्यार, जितनी शिद्दत और जितनी मेहनत से इसको बनाया, उनकी मेहनत पक्का रंग लाने वाली है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ बना दी है इन्होंने जो जिसके लिए लोग तरसेंगे मुंबई में। ये मुंबई की जो स्पेशलिटी बोलते हैं ना, वड़ा पाव और ये भेलपुरी और ये मिसल पाव, ये सब बोलते हैं ना, ये मुंबई की स्पेशलिटी, इसके लिए जानी जाती है मुंबई। आने वाले टाइम में इलियास जी की पानी पूरी, गो प्योर नेचुरल आइसक्रीम की पानी पूरी और गो प्योर नेचुरल आइसक्रीम का ये मैंगो केसर पिस्ता स्टफ मैंगो, इसके लिए भी जाने जाएगा मुंबई, ये इसके लिए भी फेमस होने वाला है दोस्तों। इतना अच्छा, ऊपर आपको मैंगो का पल्प है पूरा, ये पूरा मैंगो का पल्प है, और ये केसर पिस्ता आइसक्रीम है, ये एग्जैक्टली केसर पिस्ता आइसक्रीम है दोस्तों। ऐसा भी नहीं कि केसर पिस्ता आइसक्रीम वैसी हो कि प्रिजर्वेटिव वाली, केसर पिस्ता आइसक्रीम भी नेचुरल है, क्योंकि पिस्ता, केसर पिस्ता आइसक्रीम जो होती है उसमें जो पिस्ते का जो थोड़ा रैशीपन होता है, जैसे थोड़ा वो उसको खुरदुरा खुरदुरा जिसे बोलते हैं, वो टेस्ट भी आ रहा है इसमें, और मैंगो का तो उसके ऊपर जो सर बोल रहे थे मैंगो बैट पे इसको सर्व करा जाएगा, वो तो एकदम हकीकत निकली दोस्तों। इतनी टेस्टी चीज़ कोई क्यों ना खाना चाहेगा, ये इतनी सही चीज़ है, इससे पहले शायद ही आपने कभी खाई होगी ये, शायद ही कभी, क्या आप पहली बार इसको खाएंगे अगर आप आएंगे गो प्योर नेचुरल आइसक्रीम में। तो अगर आप एक बार गो प्योर नेचुरल आइसक्रीम आ गए ना, तो दोस्तों जैसी भीड़ लग रही थी ना, ऐसी ही भीड़ लगी रहेगी, क्योंकि आप अपने फ्रेंड्स फैमिली और नेबर्स को लेकर आएंगे, ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा और दावा भी है, क्योंकि आप एक बार आ गए तो आपका अकेले आने का मन नहीं करेगा, आप चाहेंगे कि अरे इसको भी लेकर आओ, इसको भी लेकर आओ, इसको भी बताओ यहाँ पे ये मिलता है, इसको बताओ ये यहाँ पे ये मिलता है, क्योंकि जामुन सॉर्बे, ये इमली सॉर्बे, पानीपुरी, मैंगो आइसक्रीम और उधर वो मिर्ची आइसक्रीम, ऐसा कुछ कहीं नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ मिलता है गो प्योर नेचुरल आइसक्रीम है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अतरंगी वीडियोस, आइसक्रीम के साइंटिस्ट सर वाली वीडियो, ये पसंद आई हो वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं कि आपको इलियास जी का ये जो आइडिया है, कॉन्सेप्ट है गो प्योर नेचुरल आइसक्रीम का, ये आपको कैसा लगा, और आप इलियास जी को क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, कोई नया नाम रखना चाहेंगे जैसे मैंने रखा आइसक्रीम के साइंटिस्ट, या फिर नहीं। और इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स नेबर्स के साथ शेयर कीजिए, और यहाँ पर आइए और इतनी टेस्टी और इतनी डिफरेंट आइसक्रीम्स का, जो यूनिक आइसक्रीम्स है उनका लुत्फ उठाइए, मज़ा उठाइए। और हाँ दोस्तों, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब पेवल्स फूड कार्ट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि अगली बार जब हम इससे भी ज़्यादा तरंगी वीडियो, इससे भी ज़्यादा डिफरेंट और यूनिक वीडियो के साथ आए, तो आप इस वीडियो को फटाफट देख पाएँ और उस जगह पर, उस एग्जैक्ट लोकेशन पर जा पाएँ, क्योंकि दोस्तों हमारा काम है आप लोग को ठिकाने पर पहुँचाना, उस जगह पर जाके आपको मज़ा करना आपका काम है। थैंक यू।